लाइव चालू हो गया है। अभी इस वक्त जो है हम पुलिस लाइन में है, जहाँ पर तमाम ये जो आप देख सकते हैं ये जमावड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, इस प्रकार के 70 ऑफशूट विंग जो है वहाँ पर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल जी यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे जानना चाहेंगे, इन्हें भी डिटेन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं, देश को लगातार अडानी और अंबानी के हाथों गिरोही रखने की कोशिश की जा रही है, किसानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए, तो ये जो तमाम बातें संविधान लोकतंत्र और देश के विरोध में आरएसएस द्वारा और बीजेपी द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आरएसएस हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने का ऐलान किया गया। हाई कोर्ट में हम लोगों के द्वारा ये भी एविडेविट दे दिया गया कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से ये मोर्चा लेकर जाएंगे, जो कि आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, क्योंकि आरएसएस के लोग बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं, बार बार वो संविधान पर उनका यकीन नहीं है ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो संविधान द्रोही और देश द्रोही आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनके द्वारा हम लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया, वामन मेश्राम साहब को भी अरेस्ट करने का काम किया गया, हम लोगों को भी अरेस्ट करने का काम किया गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है, इसलिए ये जो इस प्रकार का काम किया जा रहा है, और लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक आबादी है, चूँकि इस मोर्चे में ओबीसी के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, एससी एसटी के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, और तमाम प्रकार के लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं, तो ये जो बहुत बड़ा बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जिसकी आबादी देश में 85 से 90% है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संवैधानिक दृष्टि से यहाँ आए हुए थे, मगर जिस तरीके से रोका गया, तो ये बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ को रोकने का तरीका जो आरएसएस और बीजेपी ने निकाला है, ये उनको महंगा पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश में ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है, और 3.5% लोग अपने दम पर देश की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया 52% ओबीसी का समर्थन लेने के लिए, और 52% ओबीसी का समर्थन लेकर के नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर देश का प्रधानमंत्री बनाया, और जब प्रधानमंत्री बना लिया तो जानवरों की गिनती किया, मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। तो ये जो इस प्रकार का काम चल रहा है आरएसएस का, ये हमारे लोगों को गुमराह करके उन्होंने हमारे ही लोगों का सपोर्ट लिया, इसलिए दिल्ली में उनकी सरकार है। तो अभी लोगों को पता चल गया, अगर हम आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके शांतिपूर्वक जाते, शाम को घर चले जाते हमारे लोग, लोगों को पता नहीं चलता। तो ये जो हमको डिटेन करने का काम किया, गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया, रोकने का काम किया, इससे हमारा मैसेज और भी जो लाखों तक जाता है वो कई करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। तो अभी यहाँ तक बंद नहीं होगा, अभी ये आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी जो है ये संविधान के विरोध में है, ये लोकतंत्र के विरोध में है, और ये ईवीएम के द्वारा चुनी हुई नाजायज सरकार है। ये मैसेज गांव-गांव पहुंचाया जाएगा और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा, और ख़ास तौर से जो 52% ओबीसी है, ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, वोट लेना हो नरेंद्र मोदी ओबीसी है, और जब गिनती करना हो तो नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, तो अभी 52% ओबीसी भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया है देश भर में। तो 24 के चुनाव में इनको बहुत बड़े पैमाने पर सबक सिखाने का काम इस देश के बहुसंख्यक लोग, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, वो करें। जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम हैं, उन्हें बड़े ही बेदर्दी से खींच करके और डिटेन किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या? किसी भी इतने बड़े नेता को इस तरीके से करना पूरी तरीके से असंवैधानिक और गैर कानूनी है, और बड़े नेता की तो छोड़ो, किसी भी आम नागरिक को भी इस तरीके से जबरदस्ती उठा कर ले जाना, ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, ये संविधान का भी उल्लंघन है, और
कोई आदेश पुलिस वालों के पास में नहीं था अरेस्ट करने का, इसके बावजूद भी अरेस्ट किया। ये जो गैर संवैधानिक कृत्य किया है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी, लोगों को समाज में भी जागृत करने का काम करेंगे। ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे और कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे, और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवाने तक ये लड़ाई लड़ी जाए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। अभी हमारे साथ में यहाँ पर प्रोफेसर विलास खरात यहाँ पर उपस्थित है, जो कि बीन के राष्ट्रीय सह प्रभारी है। क्या कहेंगे सर, अभी ये जो अभी ये सब हुआ है, क्या कहेंगे इसको? देश और संविधान को बचाने के लिए हम जेल भी जा सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश और संविधान सर्वोपरि है। आरएसएस को ये लगा कि ये लोग डर सकते हैं, मगर ये लोग डरे नहीं हैं, बल्कि जितने यहाँ हैं उतने ही नागपुर, उससे 10 गुना ज़्यादा नागपुर सिटी के अंदर है। मगर हम लोग संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं और हमारा संगठन संविधान को बचाने के लिए यहाँ। अगर मोहन भागवत ने रोहतक में, हरियाणा, कानपुर, उत्तर प्रदेश में नहीं रोका होता तो ये परिस्थिति उसके लिए नहीं होती, मगर उसकी पचकी हो गई है, उसकी बेइज्जती हो गई है। उसको अब मोहन भागवत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतनी बेइज्जती हो गई है। और कुछ? वामन मिश्रम साहब, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, सुबह के समय में जिस प्रकार से उनको डिटेन किया गया असंवैधानिक तरीके से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अंदरूनी बात पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, आप लोग सही काम कर रहे हो, आप जैसे महान देशभक्त और कोई हो ही नहीं सकते, मगर क्या करें, हमें ऊपर से प्रेशर है। तो इससे आप समझ सकते हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि पुलिस वाले बोल रहे हैं वो देशभक्त नहीं है, आरएसएस वाले, असली देशभक्त आप लोग हैं, आप डर नहीं रहे हो, मगर क्या करें, आप लोग सही होने के बावजूद हमें ऊपर से प्रेशर है। फिर मैंने कहा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जब आपकी सरकार आएगी हम आपकी मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विलास खरात, जिन्होंने आपको हमें जानकारी दी। इसके बाद हमारे साथ जो है अनिल कुमार माने, जो राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी के, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी की जो परिस्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपको डिटेन किया है असंवैधानिक तरीके से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, और जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी मेन टॉप के अधिकारी है, उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि 8,000 पुलिस फोर्स लगाया गया नागपुर, और नागपुर के इतिहास में ये पहली घटना है इतनी पुलिस फोर्स उनको लगानी पड़ी। ये हमारे आंदोलन की जीत है, हम इसको आंदोलन की जीत मानते हैं। नरेंद्र, ये जो आरएसएस का मोहन भागवत है, उसने बयान दिया था, क्या बयान दिया था, बॉर्डर पर हमें भेजो, 4 दिन में काम तमाम करेंगे। अभी कौन से बिल में जाकर मोहन भागवत बैठा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत होती तो संघ परिवार के लोग लगा था। उसको पता है ये जो विरासत है, ये भीमा कोरेगांव के 500 लोगों ने, जो हमारे पुरखों ने 28,000 ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन छेड़ा था, ये 500 लोगों के पुरखे हैं, इसलिए उन्होंने 8,000 पुलिस फोर्स लगाया। और हम जो मांगे लेकर चल रहे थे, सरकार उसको अवरोध है, उससे सबसे बड़ा अवरोध आरएसएस है, कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमारा मोर्चा था माननीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में, लेकिन सरकार ने सरकारी यंत्रणा लगाई किसके संरक्षण के लिए, आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए, आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए सरकारी योजना लगाई, और पुलिस फोर्स ही कह रहा है वो जो है वो गैर राजनीतिक संस्था है, उस पर क्यों मोर्चा निकाल रहे हैं, आपने पार्लियामेंट में मोर्चा निकालना चाहिए।
विधानसभा को आधार बनाकर निकालना चाहिए। तो उनको कहा ये जो सरकार है वो पार्लियामेंट से नहीं चल रही है, वो सरकार आरएसएस के हेडक्वार्टर से चल रही है, इसलिए हमने हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला। ये बताइए, ये जो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, अभी आप बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हुआ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सुबह के समय में वामन मेश्राम जी जिन्हें बड़े असंवैधानिक तरीके से डिटेन किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार पहले तो 19 आर्टिकल के विरोध में काम कर रही है, और जिन पुलिस अधिकारियों ने जिसके कहने पर अरेस्ट किया है वो फडणवीस है, वो मोहन भागवत है, उनको कोई ऑर्डर ना होते हुए भी वामन मेश्राम साहब को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है। जिन पुलिस अधिकारियों ने वामन मेश्राम साहब को अरेस्ट किया, गैर संवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया, उनके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में जाएंगे। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के। अभी हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे, और आपको यहाँ पर जो जितने जो लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर। एक सेकंड भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भीड़, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय पर, यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा के भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा की तरफ से हैं आप। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, अभी क्या सिचुएशन है, अभी किस तरीके से आप देखते हैं सब चीज़ें? हम राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद से हैं, और जब से हम आए हैं सब लोगों को बिठाल के रखे हैं यहाँ पे, और जो उनकी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद साहब जी को छोड़ते बोले, और अभी तक उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिया जाता है और सब लोगों को यहाँ रोक के बंदी बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ गए? राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। अभी जिस वर्तमान व्यवस्था में अभी देख रहे हैं हम कि जिस प्रकार से वामन मेश्राम साहब को डिटेन किया गया था सुबह के समय में असंवैधानिक तरीके से, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ये तो संविधान के विरोध में कार्यक्रम हो रहा है। हम संविधान के पक्ष में रहकर संवैधानिक तौर से जो कार्य कर रहे हैं, संविधान को फॉलो करने वाले लोग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हैं, और मेश्राम साहब ही आर्टिकल 19 का पालन करके ही ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन जबरदस्ती आरएसएस के गुंडों ने इस तरीके की हरकत की और कई महिलाओं को बर्बरता के तरीके से खींच कर गाड़ियों पे बिठाने के लिए लेके गए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, और इसके विरोध में हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं जेल भरो आंदोलन के तहत। यहाँ पर हमारे लोगों को हमारी महिलाओं को साथ में जेल भरो आंदोलन हम लोगों ने यहाँ किया है, और हम समझते हैं कि जिस तरीके से अहिंसा का सहारा लेकर हम लोगों ने ये प्रोटेक्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत इस पूरे भारत देश में, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हमारा मैसेज जाएगा कि भारत देश के बहुजन मूल निवासी रहने वाले जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे पर रहकर अपना कार्य करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना आमकर मैडम है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को डिटेन किया गया है, और दूसरा जो सुबह के समय में वामन मेश्राम जी को जो डिटेन किया गया असंवैधानिक तरीके से, क्या कहेंगे इसको?
देखिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, असंवैधानिक लोग असंवैधानिक काम ही कर सकते हैं। साहब को 8:30 बजे गिरफ्तार किया, जबकि हमारा जो प्रोग्राम था वो 11 बजे से था। साहब को सो के भी नहीं उठ पाए थे, उससे पहले पुलिस पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे हमारा कार्यक्रम था और जैसे ही हमारे लोग अपने ग्राउंड की तरफ जाने के लिए हुए, हमारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तारी करी। इनके पास पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई तो इन्होंने आरएसएस के लोगों को ड्रेस पहना करके और हमारे बीच में घुसाने का काम किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। प्राइवेट मतलब गाड़ियां आई, मैंने एक गाड़ी का नंबर भी लिखा है, श्री ट्रेवल्स के नाम से एक गाड़ी है जिस पर मोबाइल नंबर लिखा था 9373290911, ये गाड़ी नंबर था। इन लोगों ने इस तरह से गिरफ्तार किया हमारे लोगों को, आप बोलते रहिए, और गिरफ्तार करने के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेकर के आए ये लोग, हाँ। और यहाँ लाने के बाद यहाँ पर बिठा के रखा और बिठाया, हमारे जो महिलाएं आई हैं अधिक से अधिक संख्या में, उनके लिए मतलब छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे उनके साथ में, उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, बेचारे बच्चे भूखे हैं। और इन्होंने कहा, घोषणा करी कि हम मेश्राम साहब को अभी छोड़ रहे हैं। जब संख्या बढ़ती गई, इन्होंने 3 थानों में हमारे लोगों को बंद करके रखा है। यहाँ तक कि बुद्ध विहार में जो लोग थे वहाँ पर भी पहुँच गए लोग, और पहुँचने के बाद उनको रोकने का काम करा कि जाना नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। लोग वहीं के वहीं थम गए, पूरा इन्होंने पुलिस छावनी बना दिया इस क्षेत्र को, जहाँ से लोग रुके हुए थे पुलिस छावनी बना दिया, 144 धारा भी लगा दी। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी और यहाँ पर हम 11 बजे से बैठे हुए हैं, 10:30-11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने कह दिया है कि जब तक हमारे साहब को हम वामन मेश्राम साहब को हम देख नहीं लेंगे, तब तक हम ये मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा, बहुजन मुक्ति पार्टी से मीना आमकरे। आप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षा, यहाँ पर सारिका भगत मैडम है, यहाँ पर उपस्थित है राष्ट्रीय सचिव है, क्या कहेंगे अभी जो यहाँ पर अभी जो महाराष्ट्र में जो नागपुर में आपका प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पर आपके लोगों को जो अरेस्ट किया गया, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम 6 अक्टूबर को हमारे संविधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, ये हमारे जो संविधानिक अधिकार है, इसके ये अधिकारों के लिए हमने ये महारैली निकाली थी। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हम महारैली निकाल रहे हैं, तो जो संविधानिक तौर पे हम ये जो कार्यक्रम करने वाले थे, तो इन्होंने आर्टिकल 19 का हनन करके हमें जो संविधानिक अधिकार दिया हुआ है, हमारी बात रखने का, चर्चा करने का, ये मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया है, इसका इन लोगों ने हनन किया है और ये असंवैधानिक तरीके से मेश्राम साहब को अरेस्ट किया है। ये लोग संविधानिक अगर मानते, संविधान को अगर मानते, संविधानिक दायरे में अगर काम करते, तो ये मेश्राम साहब को अरेस्ट नहीं करते। तो ये हमारा आर्टिकल 19 का हनन किया है इन लोगों ने। विजय प्रताप भारती हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है, जो भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, इनसे पूछेंगे हम अभी क्या सिचुएशन है और किस तरीके से अभी माहौल। इस देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार संविधान में SC/ST/OBC माइनॉरिटी को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसको लगातार वायलेशन करने का काम चल रहा है। और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है कि संविधान विरोधी जो कृत्य दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2 महीने पहले ही घोषणा की थी, और वो महारैली करने वाले थे 6 अक्टूबर को नागपुर में वेजन बाग में, और RSS के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाने वाले थे, क्योंकि RSS के जो ब्राह्मण है और उसमें उसके RSS के जो लोग हैं, उनके कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि वो संविधान के विरोध में जाकर विरोधी कृत्य कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये जो मोर्चा निकालने वाले थे, इसको लेकर लगातार प्रशासन में बैठे हुए जो ब्राह्मण है, उन्होंने ये बहुत बड़ी दिलचस्पी दिखाई, और उन्होंने संविधान में जो संवैधानिक पदों का उपयोग करते हुए, उन्होंने जो हमें संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए अभिव्यक्ति का, उसको वायलेशन करते हुए वामन मेश्राम साहब को जबरदस्ती उनको जो है गिरफ्तार किया और उनको डिटेन किया जो है। तो उसको लेकर अभी पूरे देश में जैसे ही जानकारी हुई, पूरे देश में विद्यार्थी युवा जो है अभी लगातार संघर्ष कर रहा है, अभी भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। और लोग यही मांग है कि जब तक वामन मेश्राम साहब को रिहा नहीं किया जाता और वो खुद ये घोषणा नहीं करते हैं, तब तक जो है हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और ये लगातार SC/OBC माइनॉरिटी के अलग अलग विंग के लोग जो इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में, अभी साथ ही साथ में जो इंजीनियर प्रतिभा हुआ है, जो वीवी जादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं,
ये जो अभी सारा जो भी हम लोग माहौल देख रहे हैं और सवेरे का जो माहौल था, क्या कहेंगे इसमें? इसमें ये है कि हम लोग जो हमारे पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उसको आरएसएस और बीजेपी ने पुलिस फोर्स बल का उपयोग करके वो कार्यक्रम होने नहीं दिया, और ये संविधान के दायरे में हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसको रोक है। तो इससे ये साबित होता है कि आज हम भारत के नागरिक होने पर भी आज भारत में हम लोग गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। तो ये जो स्थिति निर्माण की है, ये शांततापूर्वक हमने जो कार्यक्रम जो बनाना का कार्यक्रम किया था उसके बजाय आज पूरे भारत से जो लाखों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, एससी एसटी ओबीसी यानी माइनॉरिटी वर्ग से लोग आए हैं, बड़े पैमाने में महिलाएं आई है, तो ये कार्यक्रम ना होने पर भी उनको जो डर पैदा हो गया, उस डर के वजह से उन्होंने पुलिस बल का उपयोग करके लोगों को हिरासत में लेके यहाँ मुख्यालय के ग्राउंड में लाके उन्हारा पूरा बंदी बना दिया, और उनको ये डर सताता है। यही इससे साबित होता है कि हमारा जो आंदोलन संविधान के दायरे में हम चला रहे हैं उसको वो लोग संविधान के दायरे से बाहर जाकर पुलिस बल का उपयोग करके उसको काउंटर करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर भी आज इस जेल भरो और ये हिरासत में लेने की वजह से ये जो मामला जो करोड़ों लोगों तक लेके जाने का था, हमारा जो मामला रैली महारैली निर्माण करके आरएसएस हेडक्वार्टर पर उनको समझाने का जो कार्यक्रम संविधान के दायरे में जो था, उससे भी ये ज्यादा प्रमाण पे ये देश भर और दुनिया भर ये मैसेज चला गया कि इस देश में जो वर्तमान आरएसएस बीजेपी सरकार है ये संविधान के विरोध में जाके यहाँ के मूल निवासियों लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाती है, उनके आज़ादी को वो रोकना चाहते हैं, और डीएनए के आधार पे ये लोग भी विदेशी लोग है। जैसा ब्रिटिश लोग विदेशी थे वो लोग ब्रिटिश पिनल कानून कोड से लगाते थे, लेकिन वर्तमान में आरएसएस ब्राह्मण जो है वो भी ब्रिटिश पिनल कोड की तरह ब्राह्मण पिनल कोड जो संविधान को न मानते हुए आज ये बर्ताव उन्होंने हमारे साथ किया है। तो ये पूरे देशवासियों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और उनसे संलग्न संगठनों को जो भी प्रोग्राम दिया है ये राष्ट्र भर 6 लाख गांव तक हम फैलाए, और 6 लाख गांव तक हम फिर से हमारी ताकत बनाकर हमारी आज़ादी और ये मूल निवासी बहुजनों का जो संवैधानिक हक अधिकार है वो बहाल किया जाए, और हमारे मूल निवासियों को शासक बनने का ये एक महान व्रत कार्यक्रम है। हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रामसुरेश चौधरी रामसुरेश वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं परिस्थिति, आप किस तरीके से अभी इसको सब देखते हैं? ये बहुजन क्रांति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा का जो ये प्रोटेस्ट है महारैली है वो बड़े पैमाने पर सफल हो गया, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने असंवैधानिक ढंग से हमारे प्रोटेस्ट को हमारे महारैली को रोकने का कार्य किया, हमें ये अलंकार सभा गृह में ये इंदौरा से हमारे कार्यकर्ताओं को पशुवत व्यवहार के साथ टांग करके गाड़ी में ठूस करके घसीट करके लाया गया, उसका मैं संघ की सरकार की घोर निंदा करता हूँ। लिखा और ये 6 लाख गांव का मेश्राम साहब के रिहाई कराने के लिए गांवों से रेला निकल चुका, जिससे प्रशासन और शासन सकते में आ गया, इनको पसीना छूट रहा है, क्या करे क्या ना करे। ये बगुला सेधरी और डिड़वा मछली छोटी निगलने का माहिर है, मगर ये ऐसा सामने काटा ऊपर वाला
अगर गलती से निकल लेता है तो मर जाता, वही हाल इस संघ की सरकार की हो गई। ये आंदोलन, ये जो हमारा महारैली प्रोटेस्ट है, बहुत सफल है। जिन लोगों ने यहाँ आकर के समर्थन किया, शामिल हुए, सपोर्ट किए, और पूरे देश में और दुनिया से भी समर्थन मिल रहा है राम साहब को, मैं ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सफल कार्यक्रम है, और अभी आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो मिश्राम साहब घोषित करेंगे, अभी हमारा आंदोलन जारी है। जन आंदोलन के बदौलत ये 3.5% जालिमों को हम चारों पिलरों से खदेड़ कर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बना कर रहेंगे। राम सुरेश वर्मा, सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट RKM, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं नेशनल प्रेसिडेंट। यहाँ पर वारकरी संप्रदाय के दादा महाराज यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे भगवान महाराज शास्त्री यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वारकरी संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, क्या कहेंगे अभी ये सारी परिस्थितियों को देख करके? हाँ, ये जो संगठन है, ये संगठन बहुजनों का संगठन है, और इस संगठन को हमारे सम्माननीय मेश्राम साहब चला रहे हैं। इस संगठन में और कुछ संगठन है तो इस संगठन में ये जो आप शासन है, ये जो राज है, ये आज का जो राज है वो सनातनी प्रवृत्ति का राज है। ये जो राज है वो संविधान को न मानने वाला राज है। वो राज जो है, और ये आज के जो प्रधानमंत्री है, आज वो कोई लोग हैं, चाहे ये संगठन को चलने वाला RSS के मोहन भागवत है, ये जो लोग है जो हमारे बहुजनों पर बहुत अन्याय कर रहे हैं, और इसके छुटकारा पाने के लिए हमको सब जो कोई स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, ये सब मिलना चाहिए, और हमको जो गैर बराबरी है, हमको बराबरी में सब कुछ मिलना चाहिए। मैं इस संगठन में मूल निवासी वारकरी महासंघ के पद पर मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ, और हमारा सबका यही कहना है, ये जो ऐसा राज है अन्याय का, ये राज चले जाना चाहिए, और हमारा जो राज है वो राज इस देश पर आना चाहिए, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको लाइव सीधा प्रसारण यहाँ से दिखा रहा था, यहाँ पर मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, यूँ बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको यहाँ पर की पल पल की जानकारी आपको पहुँचाएंगे। धन्यवाद।